दोस्तों सोच के देखो, अगर आपके फ़ोन की बैटरी 12 मिनट में फुल चार्ज हो जाए तो कैसा हो। आजकल जितना यूज़ करते हैं हम अपने स्मार्टफोन का, बैटरी बैकअप हमें ज़्यादा नहीं मिल पाता, और फिर उसको चार्ज होने में अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। और अगर फास्ट चार्जिंग नहीं है तो मान लो आपके फ़ोन की बैटरी है 4000 mAh, ऐसे में उसको फुल चार्ज होने में कम से कम 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके आने के बाद हमारी जो बैटरी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो टेक्नोलॉजी है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, अगर आपको 2 ऑप्शन दी जाएं, फर्स्ट ऑप्शन में एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 4000+ mAh है लेकिन वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, और जो दूसरा स्मार्टफोन है वो ऐसा है जिसमें 3000 mAh की बैटरी है लेकिन उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे बताना मुझे कमेंट्स में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लूँगा 4000+ mAh बैटरी वाला फ़ोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या आपको पता है जो पहले नोकिया के फीचर फ़ोन आते थे जैसे कि नोकिया 3310, नोकिया 1100, उनमें कौन सी बैटरीज यूज़ होती थी और उन बैटरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। पहले जो बैटरी यूज़ की जाती थी वो की जाती थी निकल मेटल हाइड्रेट। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो ये थी कि मान लो आपके फ़ोन की बैटरी 60% है और आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो, तो चार्जिंग पे लगाने के थोड़ी देर बाद आपको मोबाइल में तो 100% शो हो जाएगा लेकिन रियर में वो बैटरी 100% चार्ज नहीं होगी। अगर बैटरी को प्रॉपर तरीके से 100% तक चार्ज करना होता था तो पहले उस बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करना पड़ता था, तभी वो 100% तक चार्ज होती थी, और उन बैटरीज में कोई चार्जिंग प्रोटेक्शन भी नहीं होती थी। अब मान लो आपके मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो भी गई तो भी चार्जिंग बंद नहीं होती थी, जिसकी वजह से बैटरी को काफ़ी नुकसान होता था। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो थी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल मोस्टली स्मार्टफोन्स में यूज़ की जाती है, चाहे आप Xiaomi का MI A1 देख लो या Moto G5S Plus। एक तो इस बैटरी का साइज थोड़ा कम कर दिया गया पहले के कंपैरिजन में, दूसरा इस टेक्नोलॉजी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया जो कि पहले आपको आती थी निकल मेटल हाइड्रेट में। ये बैटरी अगर आप 50% पे भी चार्जिंग पे लगाते हो तो जब आपके मोबाइल में 100% शो हो जाएगा तब रियल में ही आपके मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी, और इसमें आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो मान लो आपके मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो गई तो उसके बाद अपने आप ही चार्जिंग बंद हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो आजकल बैटरी यूज़ की जाती है वो है लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये आपको आजकल काफ़ी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, जैसे कि आप Redmi Note 4 में देख लो या OnePlus 5T में। इस टेक्नोलॉजी में जो बैटरी का साइज़ है वो और भी कम कर दिया गया और कैपेसिटी बढ़ा दी गई, मतलब कि 4000+ mAh की बैटरी से भी आपके फ़ोन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है वो एक तो है न्यू लिथियम टेक्नोलॉजी, जो आपको पहले मिलती है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, उसको इसमें काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि इसमें आपको 1000 times बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी लिथियम आयन के कंपैरिजन में, और जो चार्जिंग टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका फ़ोन फुल चार्ज हो गया, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि 0 से 100% होने में कितना टाइम लगेगा। ये आपको परफॉर्मेंस मिलेगी ऐसा डेवलपर्स का कहना है, अब रियलिटी क्या होगी वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी आने वाली है वो सैमसंग की तरफ से है, इसका नाम है ग्राफीन बॉल टेक्नोलॉजी। इसमें भी अगर आपके मोबाइल की बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी की होगी तब भी वेट ज़्यादा नहीं होगा आपकी बैटरी का, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस बैटरी की वो है चार्जिंग टाइम। मान लो पहले आपको मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटा लगता था तो अब आप अपने मोबाइल की बैटरी 12 मिनट में चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब ये टेक्नोलॉजी कब लॉन्च करता है सैमसंग ये देखना होगा, लेकिन जो फ्यूचर है मोबाइल फ़ोन बैटरीज का वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, चाहे न्यू लिथियम टेक्नोलॉजी हो या ग्रेफाइन बॉल, दोनों में से कोई भी लॉन्च हो जाए हमारा बेनिफिट ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।